आई एम विजय कुमार, मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। लेक्चर समझ आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमाइलोइडोसिस, जो जमा हमारे मेजर ऑर्गन्स पे, उसने क्या इफेक्ट किया। इससे पिछले लेक्चर में आपको मैं अमाइलोइडोसिस कैसे जमता है, पैथोजेनेसिस लैब में कैसे टेस्ट करें, स्ट्रक्चर क्या होता है अमाइलोइड का, टाइप्स ऑफ अमाइलोइडोसिस सब कुछ बता चुका हूँ। ये तीसरा लेक्चर है मेरा अमाइलोइडोसिस पे, इफेक्ट ऑन मेजर ऑर्गन्स। हार्ट पे कौन सा जमता है, AL टाइप का, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। किडनी पे AL AA का मिक्सचर जमता है। लीवर के ऊपर AA टाइप का, स्प्लीन के ऊपर AA टाइप का, सब कुछ पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो ये चार जो है वो मेजर ऑर्गन माने जाते हैं। बताता हूँ इनके अंदर कि जमने से होगा क्या। हर्ट के ऊपर जमा अमाइलोइड, तो एनलार्जमेंट, सीधी सी बात है चारों के अंदर एनलार्जमेंट तो होगी ही होगी, हर्ट की भी, किडनी की भी, लीवर की भी, स्प्लीन की भी, क्योंकि जम रहा है तो एनलार्जमेंट तो है ही है। दूसरा, ये ECM के अंदर जम रहा है, सेल्स के बिटवीन जम रहा है, तो जो मायोसाइट्स हैं उनके ऊपर एट्रोफी कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, धक्का डाल रहा है उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनको हो रही है एट्रोपी। उनका जो सेल्स है, जो साइज़ है मायोसाइट्स का, वो श्रिंक हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। इसे हम बोलते हैं प्रेशर एट्रोपी ऑफ मायोसाइट्स ड्यू टू अमाइलोइड डिपोजिशन इन ECM। अब आ जाइए, ठीक है, जम गया, सेल्स को एट्रोपी किया उसने। तीसरा, कंडक्शन में क्या वो बाधा डालेगा, कंडक्शन को वो कर देगा फास्ट, जिसको हम बोलते हैं अरिदमिया। अगर हर्ट 150 टाइम्स से ज़्यादा धड़के एक मिनट के अंदर, नॉर्मली 72 टाइम्स जो होता है वो एवरेज माना जाता है, 150 से ज़्यादा धड़के, तो उसे बोलते हैं हम अरिदमियाज। ए मीन्स अब नॉर्मल, रिदमियाज मीन्स रिदम ऑफ द हर्ट, अरिदमियाज। क्यों? कंडक्शन सिस्टम जो है उसका डैमेज हुआ है, जो ECM है उसके अंदर, ये मान लीजिए सेल्स है हर्ट के, नॉर्मल सेल्स हैं, और बीच में ये आ गया अमाइलोइड, और ये प्रेशर तो डालेगा इन सेल्स के ऊपर, और ये जो कंडक्शन है, ये फाइबर्स हैं, कंडक्शन कौन करता है, फाइबर्स ही तो करते हैं कंडक्शन। तो जितने ज़्यादा फाइबर्स एंटर करेंगे वो सिग्नल को जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी वजह से जो बीट्स हैं वो 150 से ऊपर पहुँच जाएंगी, अरिदमिया हो जाएगा, जो हर्ट है वो फास्ट काम करना शुरू कर देगा, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम डैमेज्ड ड्यू टू अरिदमियाज। आगे चलते हैं किडनी की तरफ। किडनी में क्या होगा, किडनी पे कोई भी प्रॉब्लम होती है उसकी ग्लोमेरुलस के ऊपर जो है असर देखने को मिलता है। ग्लोमेरुलस को डैमेज होता ही होता है, चाहे वो कोई भी टाइप हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, सबसे पहले ग्लोमेरुलस के ऊपर असर दिखेगा। यहाँ भी हमने वो असर देखा, ग्लोमेरुलस के जो पोर्स हैं वो बढ़ा दिए उस फाइबर्स ने आके। पोर्स बढ़ने से होगा कुछ नहीं, प्रोटीन बाहर निकलना शुरू हो गया, तो पेशेंट को हो गया प्रोटीनूरिया, जनरलाइज्ड एडिमा उसे दिखने लग गया उसकी बॉडी के अंदर। प्रोटीनूरिया मींस प्रोटीन का बाहर निकलना, नॉर्मली नहीं निकलता क्योंकि नेगेटिव होता है प्रोटीन का चार्ज, साइज़ किडनी के पोर्स से छोटा होता है, पर जो चार्ज नेगेटिव है प्रोटीन का, इसकी वजह से रिपेल करता है वो ग्लोमेरुलस से और नहीं निकलता। लेकिन अब तो ग्लोमेरुलस का साइज़ बहुत बड़ा हो गया, अब तो प्रोटीन को निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो प्रोटीनूरिया ग्लोमेरुलस के अंदर डैमेज हो रहा है। हाइलाइनाइजेशन तो होगा इसका, हाइलाइनाइजेशन मींस हाइलिन, जहाँ भी वर्ड आ जाए, मैंने बोला आपको, आप याद करेंगे फाइबर्स को, प्रोटीन के फाइबर्स। अब यहाँ हाइलाइन की बात चल रही है तो नॉर्मल फाइब्रोसिस तो होगी होगी क्योंकि डैमेज हुआ है इस ग्लोमेरुलाई को। नॉर्मल फाइब्रोसिस के साथ आएंगे AA टाइप और AL टाइप के अमाइलोइड फाइबर, वो भी जमने शुरू हो गए, जिसे हम बोलते हैं हाइलिनाइजेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। हाइलिन थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द किडनी, आपको पता होगा एफरेंट एट्रियोल जो खून लेके आते हैं और जो खून लेके जाते हैं वो इफेरेंट एट्रियोल, इन अल्टीरियोल जो हैं, ये मान लीजिए ये अल्टीरियोल है, इनके अंदर सर्कमफेरेंस पे जमना शुरू हो जाएगा। बता चुका AL और A-beta दोनों का मिक्सचर जो है इनके अंदर जमेगा। अल्टीरियोल हाइलिन डीजनरेशन हम इसे बोलते हैं। अब मैंने आपको ये डीजनरेशन यूनिट 1 के अंदर पढ़ाया था कहीं कि हाइलिन जब फाइबर्स जमे ब्लड वेसल मतलब आर्टीरियोल के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं आर्टीरियोलर हाइलिन डीजनरेशन देखने को मिलती है हमें किडनी की एफरेंट आर्टीरियोल्स में। ठीक है, किडनी का आपने जान लिया। लीवर साइज़ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि लीवर के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है हेपेटोमेगेली। दूसरा, ये जो ऊपर सरफेस पे जमा, धीरे धीरे लीवर के अंदर जाना शुरू हो गया, धीरे धीरे जैसे ये सरफेस से लीवर के अंदर गया तो जो सेल्स थे, लीवर पैरेन्काइमा जो था, साइनोसॉइड्स थे, उसकी बाइल डक्ट्स थी, पोर्टल ट्राइड थे, तीनों के तीनों जो
मैनर में अरेंज थे, हेपेटिक लोब्यूल जो मैनर में अरेंज था उसको इसने कर दिया डिसमैनर्ड, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर एट्रोपी ऑफ लीवर पैरेन्काइमल सेल्स कॉज्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ए ए टाइप ऑफ अमाइलोइड। ये लीवर के अंदर ए ए टाइप का जमता है, पिछले लेक्चर में आपको बता चुका मैं। नंबर फोर, स्प्लीन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्प्लीनोमेगैली, साइज बढ़ गया, स्प्लीन के सरफेस पे जमा तो उसका साइज बढ़ गया, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट, लार्डेशियस स्प्लीन, डू यू नो अबाउट लार्ड, लार्ड इज नोन एज एनिमल फैट, ये लिख रखा मैंने एनिमल फैट, लार्ड बोलते हैं हिंदी में, चर्बी बोलते हैं उसे। तो वैक्सी कोटिंग जब स्प्लीन के ऊपर देखने को मिलेगी और वो वैक्सी कोटिंग धीरे धीरे स्प्लीन के अंदर भी घुस गई, वो रेड पल्प में भी दिख रही है, स्प्लीन के स्प्लीनिक कोर्ड्स के अंदर भी दिख रही है और स्प्लीन के जितना भी स्ट्रक्चर है सबके अंदर वो लार्ड एनिमल फैट दिखना शुरू हो गया, ग्रोसली उसके ऊपर ये जम गई, तो हम क्या देखते हैं कि जब उसे पालपेट करेंगे हम स्प्लीन को तो सरफेस के ऊपर की जो स्किन है वो ज़्यादा मोटाइल दिखेगी हमें। ये मान लीजिए स्प्लीन, इसके ऊपर की जो स्किन है इसको हम पालपेट करेंगे फिंगर से तो ये ज़्यादा हिलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग आ चुकी है जिसको हम बोलते हैं लार्डेशियस स्प्लीन। ये क्या है भाई, टोपिया का लाइक ग्रैन्यूल्स, लार्डेशियस स्प्लीन तो पता चल गया, तो आपको ये बोलते हैं हम सैगो स्प्लीन। आपको सैगो प्लांट के बारे में पता होना चाहिए, सैगो जो प्लांट होता है उसको हम टोपिया का प्लांट बोलते हैं दूसरी भाषा में, ये दूसरी जो है पहले दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो उगाया जाता था। तो ये सैगो प्लांट कुछ नहीं है, इसकी रूट को जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे हम ग्रैन्यूल्स बनाते हैं वाइट कलर के, वही जिनका हम हिंदी में बोलते हैं साबुत दाना, जो आप खाते हैं नवरात्रों के अंदर, साबुत दाना जो आपकी डिश है व्रत के अंदर खाते हैं वो वाइट कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं, आपने देखे ही हैं। वाइट कलर के ग्रैन्यूल्स जब ऐसे स्प्लीन के ऊपर डिपॉजिट हुए तो वो कैसा अपीयरेंस आ गया, टोपियोका लाइक ग्रैन्यूल अपीयरेंस, जिसको हम बोलते हैं सागो स्प्लीन। सागो का मतलब कुछ नहीं, सागो प्लांट है, टोपियाका प्लांट, और टोपियाका लाइक ग्रैन्यूल्स मतलब ये वाइट कलर के साबुत दाना के डॉट्स आपको जब दिखें, साबुत दाना नहीं है ये वाइट कलर के डॉट्स ए ए टाइप के फाइबर्स के डॉट्स हैं, ये ए ए टाइप का जब डिपॉजिट होगा सरफेस पे तो ऐसे डॉट्स लाएगा, साथ ही साथ डॉट्स ला के जब ये बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा तो ये कर देगा लार्डेशियस स्प्लीन, पूरे स्प्लीन पे कोटिंग हो जाएगी ऐसी वैक्सी कोटिंग। तो जब ये कम होगा तो आपको ऐसे ये डॉट्स दिखेंगे जिसे हम बोलते हैं टोपिया का लाइक ग्रैन्यूल्स और सागो स्प्लीन। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन शुरू कर रहा हूं मैं, इन्फ्लामेशन वाली यूनिट। सो थैंक यू।